हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में ऑरेंज लेके, यानी कि संतरा को लेके। आज मैं आपको इसकी ऐसी रेसिपी बताऊँगी जिससे आप इस ऑरेंज को ना साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप माजा, ग्लूकोज, रसना वगैरह सबका टेस्ट भूल जाएंगे जब आप नेचुरल तरीके से ना घर पर इसकी ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना 4 संतरे लिए हैं, आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसको बीच से मैंने कट कर दिया है, जैसे नींबू वगैरह को कट करते हैं ना, उस तरह से कट करके हम निचोड़ लेंगे उसे छन्ने की मदद से। अगर आपके पास वो बड़ा वाला छन्ना हो ना, जैसे आटा वगैरह जिसे छानते हैं, तो आप उससे भी छान सकते हैं। इसके छोटे मोटे जो बीज हैं और जो छोटे मोटे पार्ट होंगे ना ऑरेंज के, वो बस छन जाने चाहिए। ये वाला तो बहुत बारीक है, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो आप उसे भी छान सकते हो। और इस तरह से बिल्कुल ना निचोड़ लेंगे। और इस तरह से ना, आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा है ना, तो आप अगर तुरंत इंस्टेंट जूस बनाना चाहें ना, तो इस तरह से जनरली आप बिना मशीन के इस तरह से जूस भी उसे पिला सकते हैं। और चलिए, तो ये बात करते हैं इसे स्टोर करके कैसे रखेंगे, और जब मन होगा ना तब हम इसका जूस बना के पी सकते हैं। तो पहले तो इसे जितनी भी है ना हमारे पास ये संतरे, उसको निचोड़ लेंगे। तो और इसी तरह से बीच से कट कट करके हम इसे निचोड़ेंगे, ताकि बीच से जब आप इस तरह से काटोगे ना बीचों बीच, तो ये बिल्कुल अच्छे से निचोड़ जाते हैं, यानी कि इसके जो रस है ना वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं। अगर आप इसे लंबा साइड से काटोगे ना, जिधर से उसके पीसेस निकलते हैं, तो अच्छे से ना उसके जूस नहीं निकलेंगे। इसलिए आप जिस तरह से नींबू को काटो ना बीच से, उस तरह से काटें। और जब ये रस थोड़ा सा ऐसे जाम हो जाएगा ना, तो आप उसको चम्मच से या हाथों से चलाते रहें, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना ऑरेंज के, छोटे छोटे से वो ऐसे लंबे से क्या बोलूँ, बीज के बाद भी जो होते हैं, उससे ये जो छन्नी है ना वो थोड़ी सी जाम हो जाती है। तो इसलिए आप उसको बीच बीच में हाथों से चलाते रहो। इस तरह से हमने ना सारा जो ऑरेंज था उसको निचोड़ लिया है, और इसका जूस जो है ना बिल्कुल इंस्टेंट जूस, आप इस तरह भी इसे पी सकते हैं। बाकी इसे तो हम बना रहे हैं स्टोर करने के लिए। तो ये देखिए, बीज जो है ना वो सारे निकाल लेंगे, और एक दो बीज जो है ना वो हमारे जूस में भी चले गए, तो उसको भी हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि बीज रहेगी ना तो आपको जो ये जूस है ना वो आपको तीखा लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 नींबू लिया है, और दोनों नींबू को भी ना बिल्कुल इस तरह से बीज से कट करेंगे। और हाँ, नींबू जो है ना आप इसे बाद में भी मिला सकते हैं जब आप इसका जूस बनाएंगे, लेकिन अगर अभी आप मिला देंगे ना, तो एक तो नींबू का झंझट ख़त्म, कि उस वक्त मिलाना पड़ेगा, और दूसरी बात अभी थोड़े से सस्ते हैं नींबू, गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे कोई मेहमान आते हैं और नींबू होती नहीं है, उस वक्त आप ये जूस को ना बिल्कुल आराम से मेहमानों को पिला सकते हैं, और किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने ये घर पर बना के रखा। और इतने इंस्टेंट आप डालोगे, ग्लास में डालोगे एक चम्मच और घोल लोगे, और हो गया आपका जूस तैयार। तो यहाँ पे हमने जो 2 नींबू लिया था ना, उसको भी निचोड़ लिया है। नींबू इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ सके, क्योंकि हमारा जो ऑरेंज था ना वो बहुत ज़्यादा मीठा था। आप यहाँ पे नींबू की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है। और एक ही साइज़ की 2 कटोरी ली है मैंने, क्योंकि नींबू हमारी कितनी भी हो, यानी कि ऑरेंज हमारा कितना भी हो, उसके रस पे डिपेंड करता है कि हमें उसमें कौन सा चीज़ कितना मिलाना है। तो ये देखिए, इस कटोरी से ना बस इतना सा कम, हमारी उंगली से हमने मेज़र कर लिया, उतना ही कम हुआ है ये जूस नींबू और संतरा मिलाने के बाद। तो इसका ना जितना हमारा जूस है उसके 3 हिस्से डालेंगे चीनी, यानी कि 1 कटोरी जूस है तो 3 कटोरी चीनी। इसी तरह से 3 बार जितना जूस था उतना उतना करके हमने 3 बार इसमें चीनी डाला है। तो इस तरह से आप क्वांटिटी लेंगे ना, तो आपको बाद में ज़रा सा भी कुछ भी मिक्स नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़र है ये। आप 1 ग्लास में जितना चीनी चाहिए, जितना ऑरेंज चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हमें मेल्ट नहीं करना, बस अच्छे से जूस को ना चीनी के साथ मिक्स करना है। तो थोड़ी देर तक इसे अच्छे से चला लेंगे, जूस को चीनी में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फूड कलर, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप नहीं डाल सकते, आपके पास नहीं हो तो स्कीप कर सकते, ये बस मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। और फूड कलर डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देखिए कलर कितना अच्छा है। ये ऑरेंज वाला नहीं है, ये येलो वाला फूड कलर है, वो भी मेरे पास पड़ा था इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर नहीं होता तो मैं भी नहीं डालती। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब लिया है मैंने थाली। जितना नीचे से फ्लैट होना, जितना ज़्यादा वैसा बर्तन आप ले, ताकि ये जो हमारा ये जूस और चीनी का मिश्रण है ना, ये बिल्कुल अच्छे से उसमें फैल सके। जितना नीचे फ्लैट वाला चीज़ होगा ना, कटोरी वगैरह में आप इसे ना दें, तो आपके पास 2-4 बर्तन हो तो जितनी पतली देंगे ना उतनी जल्दी ये सूख जाएगा। तो इस तरह से मैंने थाली में इसे दिया था।
आप 2-4 थाली में भी इसे कर सकते हैं, वो आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, चीनी को हमने मेल्ट नहीं किया है, सिर्फ मिक्स किया है जूस में और बिल्कुल इस तरह से चला देंगे। और इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्स नहीं किया, क्योंकि आप ना इसे व्रत में भी पी सकते हैं। जब भी व्रत करते हैं, कभी घर पर कुछ नहीं होता ना, तो आप इसका जूस बना के पी सकते हैं। तो फिलहाल इसको रख देंगे हम पंखे में, और पंखे में हमें रखना है इसे फिलहाल 24 आवर। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट डे हो गया है, मैंने उसे एक दिन पहले दोपहर को किया था, ये दूसरे दिन का दोपहर है, और ये देखिए इस तरह से जम गया है ऊपर से, और जम गया है ना, तो आप ऐसे ही हाथों से नहीं निकलेगा, इसे आप करछी की मदद से इस तरह से उखाड़ सकते हैं। आपको लग रहा हो कि ज़्यादा दम लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर से जो है ना ये भींगा भींगा सा ही, यानी कि जूस अभी अच्छे से अंदर की तरफ से ना नहीं सूखा है। तो इसको बिल्कुल करछी की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो हमारा जूस है ना, यानी कि ये जो मिक्सचर है ना, जूस नहीं है अब तो मिक्सचर बन गया है, ये अच्छे से इसे हमें सुखाना है। तो ये इस मिक्सचर को सूखने में ना आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये मौसम पे और पंखे की हवा पे डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी मौसम बहुत गर्मी की होती है ना, तो चीनी बिल्कुल मेल्ट होने लगता है। तो याद रखिएगा, इसे हमें धूप में नहीं रखना है, रखना है पंखे के नीचे, हवे वाली जगह पे। और हाँ, आपके घर में अगर चीटी हो ना, तो आप जहाँ भी रखे हो वहाँ लक्ष्मण रेखा जरूर लगा दे, वरना आपके जूस में ना, यानी कि इस मिश्रण में ना, वो चीटी भी मिल जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से खरोच देंगे, ताकि वो जो नीचे की तरफ का है ना, वो भी ऊपर की तरफ हो जाए, और अच्छे से हमारा जो ये मिक्सचर है ना, ये अच्छे से सूखे। तो इसको फिर से हम अच्छे से ले लेंगे, और फिर से इसे हमें पंखे में रखना है 24 आवर। ये रेसिपी इजी तो बहुत है, सिर्फ टाइम टेकन ही, यानी कि टाइम ज़्यादा लगती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए थर्ड डे है, यानी कि फिर से नेक्स्ट डे आ गया दोपहर, और यहाँ पे फिर से मैं लेके आ गई हूँ उसको, ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पे लिया है मिक्सी का मैंने जार, आप जो भी जार लें, मतलब जिसमें आपका बिल्कुल अच्छे से आ सके, ये क्वांटिटी आप हिसाब से डाल सकते हैं। मैं 2 बार में ही डालूंगी, 1 बार में नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लोड जो है ना ब्लेड पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है सूखने के बाद। अगर इस वक्त भी आपका थोड़ा चिपक रहा हो ना, तो आप करछी की मदद से थाली से मतलब अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया उसको मिक्सी की जार में। अब हमें ना इसे पीस लेना और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है, जिस तरह का ग्लूकोज वगैरह होता है ना, रसना वगैरह, उस तरह का हमें पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए हमारा जो पाउडर है ना, वो बनके तैयार है। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, जब ये थोड़ा सा ठंडा होना, क्योंकि मिक्सी चलाने के बाद थोड़ा सा मिक्सी गर्म हो जाता है, यानी कि जार, जब ये ठंडा होगा ना, तो बिल्कुल बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह दिखेगा। ऐसे अभी भी ये फाइन पाउडर की तरह ही दिख रहा है। और कोई भी जार, एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, जिसमें आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हो। मेरा तो स्टोर रहेगा नहीं, पता है कि मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ना 5-6 ग्लास मेरे ना बन चुके हैं अभी तक में। और इस तरह से करछी से निकाल के हम ना दूसरे बैच की, यानी कि दूसरी थाली वाली है ना, उसको भी बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा जो है ना बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है और बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो इसे भी हम डाल लेंगे डब्बे में, और डब्बे में डालने के बाद अगर ये गर्म होना, तो इसे आप थोड़ी देर ठंडा होने दें, तुरंत ढक्कन इसका ना लगाएं, वरना जो है ना मॉइस्चर छोड़ देगा, क्योंकि मिक्सी पीसते पीसते ना जार थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल बन के हमारा जो है ना ऑरेंज जूस, बिल्कुल ऑरेंज जूस का पाउडर बन के तैयार है। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 ग्लास, और ग्लास में डाल रही हूँ पानी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप इसमें इस वक्त भी नींबू ऐड कर सकते हैं, और नींबू ना होना कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें हमने ऐड कर दिया। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है, तो आप अभी भी नींबू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ग्लास में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ये पाउडर, यानी कि ये मिक्सचर ऑरेंज के पाउडर को, और 2 चम्मच डालने के बाद आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी, अगर ना भी हम चलाएं ना, तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप इसमें पहले ग्लास में डाल दें और डायरेक्ट इसमें पानी फिल्टर से या फ्रिज से डालें ना, बॉटल से, तो बिल्कुल अच्छे से मिलके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए हमारा जो जूस है ना, बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि बच्चों को देती हूँ, उन्हें कैसा लगता है। और मेरे बच्चों को सच बताऊँ तो बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैंने बोला कि 4-5 ग्लास तो मेरे बन चुके हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। इस गर्मी बना के रखेंगे ना, यानी कि स्टार्टिंग में बना के रखेंगे ना, पूरी गर्मी आपकी बहुत अच्छी कटेगी, और आप रसना ग्लूकोज सारा चीज़ भूल जाएंगे। तो अब मैं चेक करती हूँ, तो बहुत ही लाजवाब बनी थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।